220 वोल्ट 100 वैट बल्ब्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल. ईच टाइम द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट एसी सप्लाई. द पावर ड्रॉन बाय द कॉम्बिनेशन इन ईच केस रिस्पेक्टिवली विल बी. तो देखो क्या दिया है आपके पास, दो बल्ब है. अभी दो जो बल्ब है दोनों का रेजिस्टेंस हम लोग फाइंड कर सकते हैं. रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, देखो वी स्क्वायर बाय पी होता है. वी कितना दिया उसने 220, तो 220 इनटू 220 डिवाइड बाय पी कितना है 100, तो 0000 चला गया. तो ये कितना आएगा 22 इंटू 22, राइट. तो इसका आंसर क्या आएगा 484 ओम. मतलब आपके पास दो बल्ब है जिनका रेजिस्टेंस है 484. अभी ये दोनों बल्ब को मतलब दोनों रेजिस्टेंस को हम लोगों ने पहले सीरीज में कनेक्ट किया अक्रॉस 220 वोल्ट सप्लाई. ये आपका आर है, ये वाला आपका आर है. एंड बाद में ये दोनों को हम लोगों ने पैरेलल में कनेक्ट किया. तो पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद किसके अक्रॉस कनेक्ट किया है, 220 वोल्ट के अक्रॉस कनेक्ट किया है. इसका वैल्यू आर, इसका वैल्यू आर. द पावर ड्रॉन बाय ईच कॉम्बिनेशन. ओके चलो सॉल्व करते हैं. यहाँ पे देखो इक्विवेलेंट रजिस्टर कितना आएगा 2R, तो ये होगा 484 इंटू 2, वो कितना आएगा 968 ओम. मतलब पावर कितना आएगा इस केस में, फर्स्ट केस में पावर देखो वी स्क्वेयर बाय आर इक्विवेलेंट. वी कितना है 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय 968. तो 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय 968 वो कितना आ जाएगा, पावर इन फर्स्ट केस इज 50 वैट. कितना 50 वैट, राइट. सेकंड केस के लिए देखो इक्विवेलेंट रजिस्टर कितना आता है, हमें पता है कि पैरेलल में है एंड दोनों का वैल्यू सेम है, तो इक्विवेलेंट हाफ हो जाता है. तो ये है 484 बाय 2, ये कितना आ जाएगा 242, राइट. तो ये हो गया. अभी पावर देखो इस केस में कितना आएगा, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाय आर इक्विवेलेंट. अगेन वी कितना है 220, तो 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय कितना है 242. तो ये आ जाएगा 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय 242, ये आ जाएगा पावर इन सेकंड केस इज 200 वैट. कितना 200 वैट आएगा, राइट. तो ऑप्शन देखो आपके पास 50 वैट एंड 200 वैट, मतलब ऑप्शन डी इज अ करेक्ट वन, राइट.